स्टूडेंट आज बीएससी फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी का प्रैक्टिकल जो होता है उसमें आपका स्पॉटिंग होता है, स्पॉटिंग के बाद आपको स्लाइड दी जाती है। तो स्लाइड के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आपको स्लाइड दे दी जाती है तो आप किस तरह उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे और कैसे आप पहचानेंगे कि किस चीज़ की स्लाइड दी है। सपोर्ट कर देखिए इस पिछली किम्रोलॉजी में 16 घंटे की है, इंड्यूरेशन की 24 घंटे की है और बारूला की 3 स्लाइड आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए 16 घंटे की जो स्लाइड है, तो 16 घंटे की स्लाइड सपोज करते हैं आपको एक स्लाइड देती है और माइक्रोस्कोप में आप इसको लगाते हैं। अब इसमें लिखा है 16 घंटे। मेन कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन का एक सिम्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग अपन स्लाइड पहचानते हैं। तो इसमें क्या है, प्रिंटिंग स्ट्रिंग और हेंजेन रूट। अपन क्या करेंगे कि प्रिंटिंग स्ट्रिंग या हेंजेन रूट जैसी दिख जाएगी अपन समझ जाएंगे कितने घंटे की स्लाइड है, ये 16 घंटे की स्लाइड है। तो ये तो अपन पहचान गए। इसके बाद अपन को क्या लिखने पड़ेंगे, इसके 5 कॉमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो 5 कॉमेंट्स लिखने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे कि हमें 16 घंटे की स्लाइड दी गई। इसके बाद हम देखेंगे आकार इसका गोल है। इसके बाद जो भी कलर दिख रहा है वो कलर लिखते हैं, स्टेडिंग में पिंक कलर जो भी कलर। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बीच में एक लाइन सी दिख रही है जो क्या कहलाती है, प्रिमिटिव स्ट्रिंग कहलाती है। और इसमें एक उभार दिखता है जिसे हेंजेन रूट कहते हैं। देन इसके बाद इसमें दो भाग होते हैं, एरिया ओमेगा और एरिया पैलेटा, दो भाग होते हैं। इसके बाद इसमें प्रिमिटिव ग्रुप पाया जाता है और प्रिमिटिव फिट पाई जाती है और इसका आकार गोल होता है। तो जैसे ही अपन कॉमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले अपन आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, प्रिमिटिव स्ट्रिंग और हेंज के द्वारा किया। इसके बाद इसमें सिटी प्रणाली में 16 घंटे की सिटी है ये। इसके बाद इसके दो भाग है, एरिया ओमेगा और एरिया पैलेटा। इसके बाद हेंज रोड पाई जाती है, प्रिमिटिव फिट पाया जाता है, प्रिमिटिव ग्रुप पाया जाता है और इसका आकार ओवल शेप होता है। दैट्स क्लियर। दैट्स इसके बाद 24 आवर्स की आ जाती है। 24 आवर्स में भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपको स्लाइड मिलती है, हम देखेंगे मेन कैरेक्टर इसका देखेंगे किसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो 4 सोमैटिक पाए जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें सोमैटिक दिख रहे हैं, मीजन का सोमैटिक दिख रहे हैं। तो ये क्या है, 24 घंटे की स्लाइड है। अब इसके लिए इसमें सबसे पहले इसका कैरेक्टर 5 लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 24 आवर्स की ये स्लाइड है। हमने आइडेंटिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया, सोमैटिक्स के द्वारा इनको पहचाना। इसके बाद इसमें सिर वाला भाग विकसित होने लगता है, प्रिमिटिव स्ट्रिंग जो होती है धीरे धीरे आकार में छोटी होने लगती है, इंडोएक्टोडर्म इसमें पाया जाता है, एरिया ओकेगा पाया जाता है, नोटोकार्ड पाई जाती है, न्यूरल फोल्ड जो इसमें विकसित होता है, मिजन टाइप पाया जाता है, इसका आकार ओवल शेप होता है, सोमैटिक्स जो है इसका मेन कैरेक्टर है जो 4 प्रकार का पाया जाता है। दैट आप देखेंगे हेंजेन रूट का आकार भी छोटा होने लगता है, सिर वाला भाग अच्छी तरह विकसित होने लगता है, न्यूरल फोल्ड यहाँ पे पाया जाता है तथा न्यूरल प्लेट्स पाई जाती है, नोटोकार्ड पाया जाता है, ओके एक्टोडर्म पाया जाता है, एरिया ओकेगा है। ये सब क्या है, 24 आवर्स वाली जो स्लाइड है उसका कैरेक्टर है। तो कमेंट्स में आप इसको लिखेंगे। देन इसके बाद फ्रॉग की मात्रा बनता है, मामूला मतलब सीधा सिंपल ही गोल गेंद के समान स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही आप स्लाइड लगाएंगे गोला का देखेगा आप समझ जाएंगे कि ये मामूला बनता है क्योंकि गेंद बहुत गेंद के समान रचना होती है। इसमें दो भाग होते हैं, माइक्रो और मेगा। माइक्रो मतलब सूक्ष्म भाग, माइक्रो नहीं जाएगी। जैसे 16 घंटे की मिलेगी सबसे पहले आप इसका मेन कैरेक्टर प्रिंटिंग स्ट्रिंग और हेंस देखेंगे, आप समझ जाएंगे 16 घंटे की है। इसमें 4 सोमाइट्स दिखेंगे, आप समझ जाएंगे 24 घंटे की है। ये ठोस गोल गेंद के आकार की दिख रही तो आप समझ जाएंगे कि ये मारूला अवस्था है। तो ये तीनों से आपको क्लियर हो गया कि स्लाइड कैसे स्पॉट करना है स्पॉटिंग में, क्योंकि आपको स्लाइड भी दी जाएगी। ओके, निश्चित किम्रोलॉजी है क्योंकि गुण विज्ञान आपके में है फर्स्ट ईयर में लास्ट वाला चैप्टर। तो किम्रोलॉजी में 16 घंटे वाली है इंड्यूरेशन की अवस्था और 24 घंटे की है, और फ्रॉग या मेढक जो होता है उसकी जर्म लेयर भी है, इसलिए मैंने मारूला में फ्रॉग का रखा है। थैंक यू।